छह साल पहले सहारा इंडिया का बॉन्ड खरीदा। अवधि पूरी होने पर मुकरी कंपनी फॉरम ने दिया 16,45,000 रुपये का भुगतान देने का बड़ा आदेश। सहारा इंडिया के क्यू शॉप प्लान एच के तहत बॉन्ड बेचने वाले ने खरीदार को नहीं दी थी पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो कमी नज़र आई, सीधी सीधी एजेंट की नज़र आई, उसने जो बॉन्ड बेचा उसकी जानकारी नहीं दी। आगे खबर है, इसी बात को आधार मानकर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश ने दिया भुगतान का बड़ा आदेश। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए जो आज लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं, बेसहारों को देने आ गया उपभोक्ता फोरम सहारा। जी हाँ दोस्तों, 20 जनवरी 2020 की लेटेस्ट न्यूज़ भास्कर दैनिक से आई है, सबसे लेटेस्ट न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं, क्या है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रति पोषण फोरम शिवपुरी ने 4 प्रकरणों में सहारा इंडिया के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए उपभोक्ता को कुल 16,45,222 रुपये तथा प्रकरण व्यय दिलाने का आदेश पारित किया है। आवेदक राजेश जैन पुत्र व सव्य अमानल मल जैन तथा पुनित जैन, पंकज जैन पुत्रगण, मुकेश जैन निवासी शिवपुरी द्वारा अपने अधिवक्ता संजीव बिलगैया की ओर से पृथक पृथक जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी के समक्ष इस आशय की प्रस्तुति की थी। उनके द्वारा अनावेदकरण से कंपनी के बॉन्ड पॉलिसी प्राप्त किए थे, जिसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा आवेदक कार्यालय में उनकी रसीद प्रस्तुत कर दी है, परंतु उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रकरण में अनावेदक की ओर से उपस्थित होकर आवेदक की शिकायत का विरोध व्यक्त करते हुए बताया गया कि कंपनी स्कीम आवेदन आवेदक को LBP रॉयल्टी बोनस प्लांट रिडेप्लसन का प्रावधान नहीं है, परिवादी ब्याज अदा करने का भी प्रावधान नहीं है, साथ ही शिकायत निरस्त करने की प्रार्थना की थी। जी हाँ दोस्तों, ये सहारा इंडिया की तरफ से तथ्य पेश किया गया था, लेकिन आगे इस पर क्या कार्रवाई की गई ये हम बताते हैं। इस पर अध्यक्ष न्यायाधीश गौरी शंकर दुबे तथा सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा ने कहा कि अनावेदकरण की ओर से क्यू शॉप प्लान एच के सामान्य नियम प्रस्तुत किए हैं, जिनमें आवेदन केवल उत्पाद प्राप्त कर सकता है, परंतु आवेदकों ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जबकि प्रमाण पत्र में लिखित नियम व शर्तें के अनुसार 6 वर्षों के बाद भी आवेदक द्वारा कोई प्रोडक्ट नहीं लिया गया है तो आवेदक को जमा राशि 2.35% राशि भुगतान किया जाना है, अर्थात 10,000 रुपये जमा किए जाने पर 23,500 रुपये का भुगतान प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसके आधार पर आदेश पारित किया कि चारों आवेदकों को कंपनी 16,45,54,522 रुपये अदा करे। जी हाँ दोस्तों, 16,54,522 रुपये अदा करें 1 माह के अंदर। राशि अदायगी ना किए जाने पर 7% वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा दंड उपभोक्ता फोरम ने लगाया है सहारा क्यू शॉप की बॉन्ड बेचने वाली उस इकाई को, जिसने अभी तक निवेशक का भुगतान नहीं किया। तो दोस्तों, 16,000 का ये बड़ा भुगतान इन्हें करना है। दोस्तों, आप को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 16,000 का एक 16 लाख का इतना बड़ा जो भुगतान हो रहा है 2020 में, दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और इस लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों, आपसे अगली नई अपडेट के लिए विदा लेते हैं। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। साथ के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।